क्वेश्चन इज लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2s प्लस 1। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहा है। रूट ऑफ 2s प्लस 1 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2s प्लस 1 द होल रेज टू 1 बाई 2। मतलब ये पावर है 1 बाई 2, रूट का पावर होता है 1 बाई 2, अगर क्यूब रूट आता है तो 1 बाई 3। तो यही फॉर्म हम लोग यूज करेंगे अगर s प्लस और माइनस a रेज टू n विद द पावर कुछ आता है फैक्टर में, तो हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग। तो यहां पे भी यूज होगा रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट है रेज टू 1 बाई 2। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी भी ये जो फैक्टर है इसमें s का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहां पे s का कोएफिशिएंट है 2, वो 2 आपको हटाना है, तो उसको आपको रिमूव करना है, तो आप लोग उसको कॉमन लोगे। तो अगर आपने कॉमन लिया तो कुछ ऐसा बनेगा इक्वेशन, 2 कॉमन लिया मैंने तो ब्रैकेट में बचेगा s, क्योंकि यहां से 2 आ गया, प्लस यहां पे 2 नहीं है इसलिए आपको लेना पड़ेगा 1 बाई 2। ओके, लेकिन उसका पावर है ना 1 बाई 2, तो वो जो है पावर वो टोटल पावर था 1 बाई 2 का ब्रैकेट का। तो अब जैसे उसको कॉमन निकालोगे तो 2 का भी पावर होगा 1 बाई 2 और ये ब्रैकेट का भी पावर होगा 1 बाई 2, क्योंकि ये 2 रेस टू 1 बाई 2 जब भी बाहर आएगा तो विद पावर आएगा बाहर। तो समथिंग इक्वेशन ऐसा बनेगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 रेस टू 1 बाई 2 इंटू ब्रैकेट एस प्लस 1 बाई 2 रेस टू 1 बाई 2। लेकिन ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को हम लोग कभी भी लैपलास इनवर्स से बाहर लेते हैं, तो अगर ये लैपलास इनवर्स से बाहर गया तो कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा 1 अपॉन 2 रेस टू 1 बाई 2। अपॉन में क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिवाइड में था, विद द पावर 1 बाई 2 वो बाहर आ गया और बचा गया s प्लस 1 बाई 2 रेस टू 1 बाई 2। अभी आ गया ना पैटर्न में s प्लस a द होल रेस टू n, s प्लस a द होल रेस टू n, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग रिवर्स। तो कभी भी फर्स्ट शिफ्टिंग रिवर्स यूज करना है सिंपल है, ये जो ब्रैकेट है s प्लस 1 बाई 2 उसके जगह पे लिखोगे आप s, s प्लस 1 बाई 2 के जगह पे क्या लिखोगे s। तो पहले वो इमीजिएटली लिख के रखना आपको, तो लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ये ब्रैकेट के जगह पे आएगा s विद अ पावर है 1 बाय 2 और ये आपका 1 अपॉन 2 रेस टू 1 बाई 2। सो आपने क्या किया, इक्वेशन सेम लिखा है, बस ये इक्वेशन में s प्लस 1 बाई 2 को कट करके उसके जगह पे सिर्फ s लिख दिया, तो अभी ये 1 बाई 2 कहां पे गया, ये पॉजिटिव 1 बाई 2 था, ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा तो उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा वो बाहर, तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म समथिंग ऐसा होगा e रेस टू, ये प्लस 1 बाई 2 है तो होगा माइनस 1 बाई 2 t विद पावर t भी लेना आपको, s प्लस 1 बाई 2 था, आपने वो प्लस 1 बाई 2 हटा के सिर्फ s लिखा, तो प्लस 1 बाई 2 अगर आप लोग रिमूव कर रहे तो यहां पे तो जाएगा ना, वो जाएगा एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो प्लस 1 बाई 2 होगा माइनस 1 बाई 2 इंटू टी, लेकिन वो लैपलास इनवर्स से बाहर होगा। देन अभी बचा ये 1 अपॉन s रेस टू n का फॉर्मूला, ये है n। अब ये दोनों में से आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि पावर आपका फ्रैक्शन में है इसलिए गामा ऑफ n यूज करोगे, सो आपको कुछ आंसर ऐसा मिलेगा इज इक्वल टू 1 इंटू e रेस टू माइनस 1 बाई 2 t, वैसे ही रहेगा e रेस टू माइनस 1 अपॉन 2 t अपॉन 2 रेस टू 1 बाई 2 मतलब रूट 2, पावर 1 बाई 2 मतलब रूट होता है, इंटू लैपलास इनवर्स ऑफ, मैं पहले क्वेश्चन वापस लिखता हूं, एस रेस टू 1 बाई 2। अभी इसका आंसर लिखते हैं, ई रेस टू माइनस 1 बाई 2 t एज इट इज रूट 2 एज इट इज, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो यहां पे n का वैल्यू 1 बाई 2 है तो आंसर होगा t रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1, n माइनस 1 है, n का वैल्यू 1 बाई 2 है, तो t रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन गामा ऑफ n, n कितना यहां पे 1 बाई 2, तो गामा ऑफ 1 बाई 2 एंड गामा ऑफ 1 बाई 2 का वैल्यू होता है रूट पाई, गामा ऑफ 1 बाई 2 का वैल्यू क्या होता है रूट पाई, सो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा बनेगा e रेस टू माइनस 1 बाई 2 t अपॉन रूट 2 t रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1 लिया आपने तो उसका आंसर होगा माइनस 1 बाई 2।
हाफ माइनस वन होता है माइनस हाफ होता है माइनस हाफ अपॉन गामा ऑफ वन बाई टू इज रूट पाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और किसी को कुछ अरेंज करना है तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ई रेस टू माइनस वन बाई टू टी रूट टू इंटू रूट पाई इज रूट टू पाई, एक ही ब्रैकेट ले सकते हैं। एंड ये टी रेस टू माइनस वन बाई टू है, ये नीचे आएगा तो ये टी रेस टू प्लस वन बाई टू होगा, पॉजिटिव पावर माइनस है नीचे आएगा तो सिंबल चेंज होता है, तो माइनस का हो गया प्लस, और टी रेस टू वन बाई टू मतलब होता है रूट टी, टी रेस टू वन बाई टू क्या होता है रूट टी। तो आप ये भी आंसर लिखो तो भी राइट है, ये आंसर भी राइट है, यहां भी खत्म हो गया वो, क्लियर है। ओके okay?